दोस्तों, अगर आप लोग का फेसबुक अकाउंट लॉक हो गया, अगर आप लोग चाह रहे हैं अपना फेसबुक अकाउंट को अनलॉक करना, अगर आप लोग के पास गेट कोड बाय ईमेल का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे गाइस एक बंदा का फेसबुक अकाउंट है जिसका गाइस गेट कोड बाय ईमेल का ऑप्शन तो आ ही रहा है, उसके साथ साथ डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन आ रहा है। तो ये ऑप्शन मैंने कैसे लाया, इसको किस तरह से लाया जाता है, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो। यहाँ पे देखिए, एक बंदा है, सब्सक्राइबर है मेरा, इंस्टाग्राम में मैसेज किया था, उसको मैं व्हाट्सअप पे लेके आया हूँ और यहाँ पे मैं इसका हेल्प कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, इन्होंने टोटल आईडी पासवर्ड दे रखा है मेरे को और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इससे डेट ऑफ बर्थ का जो भी है इसका प्रूफ मांगूंगा ताकि मैं यहाँ से अपडेट कर सकूँ और आईडी इसका अनलॉक हो जाए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, गेट स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हैंड का ऑप्शन आ गया और इस आईडी को ओपन करने के लिए नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखेगा हाउ टू अनलॉक योर अकाउंट, यहाँ पे कुछ मेथड दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे पर नेक्स्ट पे क्लिक करोगे गाइस, उसके बाद यहाँ पे देखिए गेट कोड बाय ईमेल, ठीक है, गेट कोड बाय ईमेल, इसका ईमेल अकाउंट जो है सो रिकवर नहीं है, यानी कि जीमेल अकाउंट जो है वो इसका फ़ोन में अभी अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं डेट ऑफ बर्थ के थ्रू इस आईडी को ओपन करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बैक आना है। और अगर आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ भी पता नहीं है कि मेरा आईडी में डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो गाइज उसके लिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में वो भी टॉपिक कवर करने वाला हूँ। और यहाँ पे देखिए गाइज, सबसे पहले यहाँ पे देखिए गेट कोड बाय ईमेल यहाँ पे, और इंटर योर बर्थडे, यानी कि जो भी आपका बर्थडे है यहाँ पे आपको इंटर करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उस जो बंदा मेरे को आईडी ओपन करने दिया उससे मैं बर्थडे डेट मांग लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे बर्थडे डेट सेंड करने वाला है, तो यहाँ पे सिंपली से मैं बर्थडे डेट यहाँ पे सिंपली से डाल दिया हूँ। और यहाँ पे आपको सिंपली से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिएगा, इन्होंने जो भेजा है ये आएगा करेक्ट नहीं है, यानी कि ये इनकरेक्ट है। तो इसको आप करेक्ट कैसे करेंगे, उसके लिए भी इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो, आगे के मैं इस वीडियो में आप लोगों को समझाया हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो ऊपर में देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है 23.11.2007, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से आपको यहाँ पे फिलअप करना है। तो यहाँ पे क्या करना है गाइस, सिंपली से यहाँ पे बैक आपको आ जाने हैं। तो जैसे गाइस यहाँ पे आप नेक्स्ट करोगे, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है इनकरेक्ट है, यानी कि ये डजेंट मैट, यानी कि मैच ये नहीं कर रहा है, इसके कारण ये नो लॉन्गर एबले, यानी कि यहाँ पे अवेलेबल हो चुका है, यानी कि ये मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो अवेलेबल हटा दी गई है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे गेट कोड के थ्रू ओपन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस इसके लिए रिकवर करना पड़ेगा। और यहाँ पे ये जो बंदा दिया है डेट ऑफ बर्थ, ये गलत दिया है। तो अगर आप लोग को भी डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है तो उसके लिए क्या करना है, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो। यहाँ पे मैं कोड मांगा हूँ जीमेल में, तो इन्होंने कोड देगा, इसके बाद इस आईडी को ओपन कर दूंगा। तो चलिए गाइस मैं आपको बताता हूँ, अगर आप लोग का भी डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन आ रहा है, अगर आप लोग का डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है तो उसको आप डेट ऑफ बर्थ पता कैसे करें, यानी कि चेंज कैसे करें, और जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको आप फिलअप कर सकते हो। उसके लिए आपको एक आईडी प्रूफ चाहिए, यानी कि आधार कार्ड चाहिए, क्योंकि जो भी आपका आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ रहेगा वही आपका इस आईडी में अप्रूव करेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली से अपना क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। और मैं यहाँ से क्या करूँगा, अपना क्रोम ब्राउज़र को ओपन करता हूँ। और सबसे पहले गाइस मैं आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हूँ, उस लिंक को क्लिक करके सिंपली से रिडायरेक्ट क्रोम में आ जानी है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से आप डेट ऑफ बर्थ को चेंज कर सकते हो और यहाँ से आप ऑटोमेटिक अपना आईडी को अनलॉक कर सकते हो। तो उसके लिए गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब भी मैं अपना पासवर्ड को डालता हूँ यहाँ पे, जैसे आप लिंक के क्लिक करोगे तो उसके बाद यहाँ पे नंबर पासवर्ड आपको मांगेगा। जैसे मैं यहाँ पे पासवर्ड डालता हूँ तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे फेसबुक लाइट ओपन हो जा रही है। तो यहाँ पे वो क्रोम ब्राउज़र को ओपन करनी है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लाइट को अनइंस्टॉल कर देता हूँ, एफबी लाइट को। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैं लाइट को अनइंस्टॉल करूँगा उसके बाद यहाँ पे देखिए मेरे को आईडी पासवर्ड डालने के बोला है। तो जिस बंदे का आईडी ओपन करनी है उसका मैं आईडी पासवर्ड यहाँ पे डाल दिया हूँ। उसके बाद जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का टोटल पेज खुल जाएगा, जिसको आपको अपग्रेड करके रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो उसके लिए रिक्वेस्ट करने के लिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो। यहाँ पे देखेगा सिंपल से, जैसे आप रिक्वेस्ट करोगे यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ का यहाँ पे कॉलम मिलेगा, जिस कॉलम में क्लिक करना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आपका आधार कार्ड में आईडी प्रूफ में, वो आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको फिलअप करना है। और फिलअप करने के बाद गाइस यहाँ पे देखिए जो भी आपका मंथ है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे रीजन में आप कुछ भी एक रीजन सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए चूज फाइल, यहाँ पे आपको आधार कार्ड को सबमिट कर देनी है। जैसे आप आधार कार्ड सबमिट करोगे, सेंड पे क्लिक करोगे, ये आपका डेट ऑफ बर्थ रिक्वेस्ट भी चली जाएगी और यहाँ पे 12 से 24 घंटे के अंदर अंदर ये सबमिट हो जाती है, यानी कि आपका एक्सेप्ट कर ली जाती है, हो सकता है 10 दिन तक भी हो सकता है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि फेक नेम एंड फेक बर्थडे कभी भी सबमिट मत करना, नहीं तो आपका आईडी सस्पेंड भी कर दी जा सकती है। तो ये सब आपको नोटिस करना है, ठीक है। इसके लिए आपको
यहाँ पे अगर आप लोग चाह रहे हैं कि मैं फेक नेम डाल दूंगा या फिर फेक आईडी यानी कि फेक आधार कार्ड इसमें अपडेट कर दूंगा, तो ये आपका एक्सेप्ट नहीं होगी, यहाँ तक कि आपका फेसबुक अकाउंट डिसेबल भी कर दी जा सकती है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसी तरह से आप अपना फेसबुक लॉक कर सकते हो गाइस। तो काफ़ी ईजी ट्रिक है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कैसा लगा, और ऐसा लगता हूँ वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल होगा, आप लोगों को काफ़ी चीज़ सीखने को मिला होगा किस तरह से अपना फेसबुक अकाउंट अनलॉक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया जरूर से फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम आईडी टेक गुरु राहुल 2 है। आप अगर आप लोग चाह रहे हैं मेरा इंस्टाग्राम में फॉलो विजिट करना, तो यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, टेक गुरु राहुल 2 है। और कुछ भी क्वेश्चन होता है मेरे को आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको जरूर से रिप्लाई दे दूंगा।